हेलो दोस्तों, आज मैं एक ही वीडियो में आपके लिए 5 स्टार ट्रिक में ले गया हूँ। भारत की प्रमुख झीलें, नदी घाटी परियोजनाएं, सभी एक ही वीडियो में 5 मिनट में आपको याद करवा के रहूँगा। दोस्तों, सभी जो महत्वपूर्ण भारत की झीलें हैं, प्रमुख जलप्रपात है, महानदी परियोजनाएं हैं, वो सारी आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 5 स्टार ट्रिक के साथ भारत की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों, भारत की प्रमुख झीलें, झीलों की ट्रिक है दोस्तों, अबे करेला हुस्न का अंदा। अबे करेला हुस्न का अंदा, राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। दोस्तों, एक बार रिपीट करेंगे, अबे करेला हुस्न का अंदा, राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। तो दोस्तों, इससे कौन कौन से जिले आपको याद होती है? अबे से होती है दोस्तों अष्टमुदी, बेम्बानाड। करेला से केरल में, ये दोनों केरल में है। हुस्न का अंदा, हुस्न का अंदा से है दोस्तों हुसैन सागर, कोलरू आंध्रा में, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश में, ये दोनों आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में, ये सभी मुख्य जिले हैं राजस्थान की। तो जा से जैसमंद, डी से डीडवाना जो नागौर में है, पिछोला उदयपुर झील, फतेह सागर उदयपुर, लूण करणसर। तो दोस्तों, ये ट्रिक था भारत की प्रमुख झीलों का। अब देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनको ट्रिक के साथ समझते हैं। ये जो ट्रिक दे रखा है, इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से नाम देखते ही समझ जाएंगे जम्मू की कौन सी है, उत्तराखंड की कौन सी है। तो दोस्तों, जम्मू की देखते हैं। जम्मू के डम्बू नाक को, जम्मू से जम्मू कश्मीर में, डम्बू से डल झील, वुल्लर झील, मानसबल झील। ठीक है दोस्तों, जम्मू से जम्मू कश्मीर में, डम्बू से डल झील, मानसबल झील, वुल्लर झील। नाग से देखिए दोस्तों, वेरी नाग, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन। नाग यानी सांप, नाग का मतलब आप सांप समझ लीजिए दोस्तों। नाग के नाम से जो भी झील है वो इंडिया में ओनली जम्मू में है, जैसे नाग हो गया, नागिन हो गया, कुछ भी। ये नाग नाम से ये देख रहे हैं आप झीलें, ये सारी जम्मू में हैं, और इसके रिलेटेड झीलें पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं उत्तराखंड की सर झीलें। उत्तराखंड में दोस्तों, एक तो सीधा सा ट्रिक आपको मैं बता दूं, ये जो तालों लिखा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ये नाग लिखा हुआ है, जिलों के आगे नाग लिखा हुआ है, वैसे उत्तराखंड की सभी जिलों के आगे ताल लिखा हुआ है। आप चाहे ये नाम रटें चाहे नहीं रटें, उत्तराखंड में जितनी भी जिले हैं उनके आगे ताल लिखा हुआ है, और पूरे इंडिया में किसी भी झील के आगे ताल शब्द नहीं आता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में स्ट्रिक से देखते हैं, उत्तराखंड के सब तालों में कितना दें। तो देखिए दोस्तों, देवी ताल, ताल सही है दोस्तों ये सारी ट्रिक। देवी ताल, गोखुर ताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, नौटुकिया ताल, दोस्तों सभी ताल से ही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो मोस्ट जो सिटीज या शहर हैं या गांव हैं उनके नामों के पीछे भी ये ताल शब्द ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, नैनीताल लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की कुछ इम्पोर्टेंट झीलें। अगला है दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, डल झील, सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील देवताल झील। ताल से याद रखना है दोस्तों उत्तराखंड में। तैरती द्वीपीय झील लोकटक झील मणिपुर। सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील। लेगून झील से दोस्तों, लेगून, चिल्का झील, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित
ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लोनार झील। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये ट्रिक के साथ हैं, ट्रिक आप ओनली आपको ट्रिक याद रखनी है, बाकी सब आपको क्वेश्चन देखते हैं अपने आप आंसर। अगर आपको ट्रिक याद होगी तो क्वेश्चन देखते हैं आप आंसर आराम से करेक्ट कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों प्रमुख जलप्रपात, इसकी ट्रिक है दोस्तों शिव का जोग सराबी धुआंधार नानी चाचा पचा पानी। शिव का जोग सराबी, इसे शायरी की तरह लीजिए दोस्तों, शिव का जोग सराबी धुएं धार नानी चाचा पचा ले पानी। दोस्तों ये देखिए इस ट्रिक से कैसे निकलता है, शिव का यानी शिव का शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, जोग सराबी जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, धुआंधार नानी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, चाचा से चूलिया चंबल नदी पर, चाचा चूलिया चंबल एक ही है दोस्तों चाचा चूलिया चंबल, पचा कुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर, पानी पाईकारा नीलगिरी क्षेत्र। तो दोस्तों बहुत आसान सा ट्रिक है, एक बार फिर से इसे रिटर्न पढ़िए, शिव का जोग शराबी धुआंधार नानी चाचा पचा पानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी में, इसमें देखते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो वो है जोग जो कि कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा गिरने वाला जोग है दोस्तों और सबसे ऊंचा है वो है कुंचिकल कर्नाटक का, कुंचिकल कर्नाटक दोनों कर्नाटक में है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है वो है जोग कर्नाटक में, और जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल कर्नाटक में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नदी घाटी परियोजनाएं, बहुत आसान से ट्रिक के साथ बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। दामोदर नदी पर स्थित परियोजना, इसमें देखते हैं दादूपति 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 कौन है, दामोदर दादूपति दामोदर। तो दोस्तों दा से हो गया दामोदर घाटी परियोजना, दू से हो गया दुर्गा बैराज परियोजना, पह से हो गया पंचायत बांध, ती से हो गया तिलैया परियोजना। तो दोस्तों देखा आपने बहुत ही आसान सा ट्रिक था, अब देखते हैं दोस्तों महानदी परियोजना, माही नदी पर जो है महानदी माही माही नदी पर माही माँ से महानदी परियोजना, ही से हीराकुंड परियोजना। दोस्तों इसमें दो ही परियोजनाएं हैं, अब कृष्णा नदी की परियोजनाएं देखते हैं। इसका सीधा सा छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, कृष्णा नाग के ऊपर, कृष्णा नाग के ऊपर, कृष्णा से कृष्णा नदी परियोजना, नाग से नागार्जुन परियोजना, ऊपर से ऊपरी कृष्णा परियोजना। अब देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो है चंबल नदी परियोजना। तो दोस्तों इसका ट्रिक आप समझ लीजिए और इसे दो से तीन बार याद कर लीजिएगा, चंबल पर गंगा का राज, चंबल पर गंगा का राज, चंबल पर यानी चंबल नदी पर परियोजना, गंगा यानी गंगा सागर परियोजना, रा यानी राणा प्रताप सागर परियोजना, और जे यानी ज्वार सागर परियोजना। तो दोस्तों ये बहुत से आसान से ट्रिक थे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों एक बेल आइकन बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही 5 स्टार ट्री की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं ऐसे ट्री की वीडियो रोज़ का एक या दो वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा आपको प्राप्त करवा रहा हूँ, तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। अब आखिरी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको समझ में आया तो एक से दो बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक हैं इसमें। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद।